क्रिकेट का मतलब झिंगुर, अल्फाबेट अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज भाषाएं। अक्सर बच्चे क्या होता है कि एक ही वर्ड को कई तरह से प्रयोग कर लेते हैं जब भी आप स्पीकिंग करते हो, राइटिंग करते हो या कुछ सोचते हो। जैसे लाइक दैट आप अब्यूज वर्ड है, राइट। अब एक वर्ड है अब्यूज, अब्यूज का मतलब आप सबको पता होगा हिंदी क्या होता है, पता है ना, गाली। वर्ब होगा गाली देना, तो अब्यूज नाउन भी है वर्ब भी है, तो आप बोलते हो अब्यूज, दुरुपयोग, अब्यूज गाली। यानी इसका तीन तरह से यूज कर सकते हो, अभी बताऊंगा तीनों स्टाइल, लेकिन अब्यूज का मतलब दुरुपयोग। एग्जाम्पल दिया कि ही वॉज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, यानी कि उसने पावर का दुरुपयोग किया इसलिए उसे किया गया। अब यहां पे आप जानोगे कि दुरुपयोग करना भी होता है, कहने का सेंस में रहा है कि जब आप स्पीकिंग करते हो, तो क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस क्या है ना, लिमिटेड है, और उस लिमिटेड सिलेबस में आपको पूरा का पूरा इंग्लिश बोलना है, तो लिमिटेड में अनलिमिटेड काम करना है। अब्यूज का मतलब गाली, ही गेव यू सेक्सुअल अब्यूज, यानी उसने भद्दी गालियां दी। तो आपका जो वोकैबुलरी है ना, एक वोकैब से 50 तरह के वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो और बोलने क्रम में यूज कर सकते हो, है ना, मजेदार चीज। तो अब्यूज का मतलब दुरुपयोग भी और अब्यूज का मतलब गाली भी। और एक अब्यूज का मतलब यहाँ पे और देखो, अब्यूजेस का मतलब बुराइयां या कुरीतियां। कुरीतियां क्या होता भाई, कुरीतियां कहते हैं सोशल एबिल्स को। ये क्या है, देयर आर मेनी अब्यूजेस इन आवर प्रेजेंट सोशल सिस्टम, यानी जो सोशल सिस्टम है उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, रीति रिवाज खराब हैं। तो आप समझ में आया, अब्यूज अब्यूज अब्यूजेस, तो सबका मतलब गाली नहीं हुआ। अभी मान लो हिंदू में आया था कि देयर आर मेनी अब्यूजेस इन आवर सोसाइटी, तो ये लड़का हिंदी निकाल रहा है मेरे समाज में बहुत गालियां हैं, ये तो गलत हो गया ना, सामाजिक कुरीतियां हैं, याद हो रहा है। आगे देखो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैं दे रहा हूं। डेजर्ट, आप जानते हो डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, यहाँ पे मीनिंग बदल दिया। डेजर्ट का मतलब योग्यता गुण, और डेजर्ट का मतलब मरुभूमि भी, यानी योग्यता भी हो गुण हो उस, और डेजर्ट में एस लगा दिया तो हो गया भले या बुरे गुण। डेजर्ट और जो और भी होता है मीनिंग बहुत से बताऊंगा। तो डेजर्ट मतलब योग्यता गुण, या मरुस्थल भी कह सकते हैं, मरुभूमि कह सकते हैं। डेजर्ट में एस लगा दिया, भले या बुरे गुण, और इस तरह से आप इसको बेहतर यूज कर सकते हो। आगे देखो, लाइट लाइट्स, अब देखो समझना क्या है वो समझो, लाइट क्या है, लाइट एक अनकाउंटेबल वर्ड है, राइट। अब यहां समझना है कि लाइट का मतलब प्रकाश, और लाइट वर्ब बना दो तो प्रकाशित करने वाली वस्तु, और लाइट मतलब प्रकाशित करने वाली वस्तुएं, ये दोनों तरह का सेंस हो जाता है। अब इसको व्यवहारिक समझो, अ रूम विथ गुड नेचुरल लाइट, यानी जो रूम है ना ये प्राकृतिक लाइट से बिल्कुल भरा हुआ है। जैसे आपके घर में सन का लाइट आता है, सनलाइट है, तो उसको सनलाइट बोल सकते हो। Suddenly the light went off, अचानक से लाइट चला गया, यानी आपने आपके घर में बल्ब लगा होगा, बल्ब का लाइट बुझ गया तो कहते लाइट चला गया, यानी कि जो नेचुरल नहीं था वो सडनली क्या था, जैसे बिजली वाला लाइट था। एक था लाइट प्रकाशित करने वाली वस्तुएं, ऑल द लाइट्स वेंट ऑफ सडनली, ये सारे जितने घर में बल्ब बत्ती थे सब अंधेरा छा गया। तो इस तरह से लाइट लाइट्स का प्रयोग आप कर सकते हो बेहतर इंग्लिश को सुधारने के लिए, यानी आप एक वर्ड को कई तरह से नाउन बना के, वर्ब बना के भी यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या कहता है, क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हो, बल्ले से क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट एक खेल का नाम है, एक प्ले का नाम है, यहां पे क्या कर रहा हूं, क्रिकेट एक प्रकार का खेल, क्रिकेट का मतलब झिंगुर, झिंगुर एक प्रकार का कीड़ा है, जो आप गांव से अगर बिलोंग करते होंगे तो झनझन की आवाज शाम के, अरे गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो झनझन या ठंडे के मौसम आता हो गॉड नोस, तो आप देखना कि आपके गांव में गर्मी में या ठंडे में एक प्रकार का लाइट वाला झिंगुर होगा जो एक आवाज निकालता है झिनझिन झिनझिन टाइप का, उसको झिंगुर बोलते हैं, राइट। तो झिंगुर होता है क्रिकेट का मतलब। तो एक क्रिकेट खेल हुआ, जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग खेलते हैं, वी यूज टू प्ले क्रिकेट, है ना। अब यहाँ पे द चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स, यानी क्रिकेट में झिंगुर इस प्रकार बना होता है जिसमें लाइट भी होता है शायद परहैप्स, तो इस तरह के झिंगुर को हम लोग क्रिकेट्स बोलते हैं, ये भी मजेदार है, इसको याद रखना है, ठीक है, ये काम आएगा आपको। अगला कहता है वुड, देखो बेटा वुड, अगर वुड में एस लगा दो ना, वुड्स कर दो तो जंगल हो जाएगा। वुड ही चॉप्ड सम वुड ऑफ द फायर, यानी कि वुड का मतलब लकड़ी काट रहा है जंगल में, या लकड़ी काट रहा है आग लगाने के लिए, फायर करने के लिए, तो वुड का मतलब लकड़ी, घर में आपके वुड पड़े होंगे, लकड़ी पड़े होंगे, और वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, जंगल। ही हैज गोन टू वर्क इन द वुड्स, यानी वुड में एस लगा दिया तो जंगल बन गया, वुड का मतलब लकड़ी, ये उस प्रकार काम कर रहा है जैसे आपको पढ़ाया होगा अल्फाबेट अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज भाषाएं। आपने पढ़ा होगा गुड का मतलब अच्छा और गुड्स का मतलब
सामान, पढ़ा है ना। इस तरह से चीजें हैं जो मजा आ रहा होगा। ये नए नए वो कैप्स दे रहा हूं आपको जिसके तहत आप सीख सकते हो। अब देखो गाय, नहीं बोलते कम ऑन गाइस, हेलो गाय, है ना, यू गाय सुन रहे हो मेरी बात। तो गाय का मतलब मनुष्य, गाय का मतलब खेमा, टेंट बांधने का रस्सा को भी गाय बोलते हैं। अब गाय को गाइस, अब गाइस जब तक नहीं बोलोगे तब तक पुरुषों स्त्रियों का समूह नहीं होगा। तो किसी भी को संबोधन कर रहे हो, मान लो बहुत सारे लोग बैठे हैं तो बोलते हैं ना कम ऑन गाइस, हेलो गाइस, है ना, इस तरह से बोलते हो गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस का मतलब होता है कि जो सामने व्यक्ति है उसको भी हम, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, उसको हम गाइस का प्रयोग करते हैं उसको एड्रेस करने के लिए, संबोधन देने के लिए। तो गाय का मतलब मनुष्य, खेमा टेंट बांधने का समय, गाय में एस लगा दिया, कम ऑन यू गाइस, आप सभी गाइस, है ना, इस तरह से। तो पुरुषों या स्त्रियों के समूह को, स्त्रियों के समूह को हम लोग गाइस बोलते हैं, ऐसे आप कह सकते हो, स्त्रियों के समूह। तो पुरुषों एवं स्त्रियों के समूह को गाइस बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से एक एक लैंग्वेज में आप हर वर्ड के कर सकते हो, बहुत ही छोटा छोटा, एक्चुअली वोकैबुलरी के ना छोटे छोटे तरीके से आप बोलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और कम कम सीखो, आप खाते हुए सीखो, नहाते हुए सीखो, आप क्या करो, स्नान कर रहे हो, आप अपने फोन को ऑन कर दो, इस वीडियो को ऑन कर दो, सुनते रहो, कान में जाता रहेगा, याद होता रहेगा। ब्रेकफास्ट ले रहे हो, लंच कर रहे हो, सुनते रहो, एक मिनट भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक एक मिनट का समय ही आपके जीवन का निर्माण करता है और तभी आप बेहतर बन पाते हो। आलतू फालतू वीडियो देखने से अच्छा है, स्क्रॉल करने से अच्छा है कि हमने डीएसएल शॉर्ट्स बनाया है, वहां काम कर सकते हो। बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।